चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो हर हर महादेव गाइस, स्वागत गाइस आज के ब्लॉग में। गाइस अभी हम है प्रभा देवी स्टेशन पे। आज हम जा रहे हैं सिद्धिविनायक टेम्पल, जो कि अभी यहाँ से आधा पौना घंटा का रास्ता है। अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, तो आज का ब्लॉग सिद्धिविनायक मंदिर का रहेगा। तो अभी अच्छा हमको सिखा रहा है। अच्छा कि हम वहीं पे जा रहे हैं, तो दिखाते गाइस आपको। अभी देखिए, अभी हम स्टेशन पे हैं, खत्म पूरा ट्रेन है, सब बंद हो गया है, टाइम अभी बंद है ट्रेन का। तो अभी जाते हम, यहाँ से आधा पौना घंटा लगेगा, तो अभी जाते सब। चलो जाते चलो। अभी हम ग्रुप में, मतलब यहाँ पे हमारे दोस्तों के साथ में, तो अभी हम यहाँ से जाएंगे। आधा पौना घंटा लगेगा, देखते बीच बीच में अभी आपको दिखाता हूँ उस दिन। चलो भाई देखो। तो भाई ये है टिकट काउंटर, जैसे कि आपको पीछे दिख रहा है, ये टिकट काउंटर है। और यहाँ पे से हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए ब्रिज पे। और देखो भाई, यहाँ पे एक रास्ता इस साइड जाता है और एक रास्ता इस साइड जाता है। तो हम लोगों ना यहाँ से ना सीधा लेफ्ट में जाने का, लेफ्ट में, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, हम लोग को इस रास्ते में जाना है और इस रास्ते में नहीं जाना है। ये गलत रास्ता है, हम लोग को मंदिर के लिए ना इस रास्ते जाना है। अच्छा हमको सिखा, तो चलो चलते। तो अभी रास्ते में देखते हैं, अभी दिखाने वाला सीन रहेगा, दिखाएंगे और सिनेमेटिक सीन भी लेंगे हम। तो देखते रहिए ब्लॉग, दिखाते हैं अभी आगे के सीन में, पूरा मंदिर घूमेंगे हम लोग। तो जाते फिर। अभी यहाँ से हम लोग को 5 या 6 सिग्नल और पार करना था, पर जिस चीज़ का डर था वो हो गया, जो कि आपको दिख रहा होगा, बारिश हो रहा है पूरा जम के। मुंबई की बारिश और मुंबई की ट्रैफिक कभी और कहीं भी आ जाती है। क्या बोला तूने? तो इसी का डर था और ये हो चुका है। देखते हैं अभी कितना टाइम तक होगा ये बारिश। अभी वेट कर रहे कि बंद हो जाए, तब तक हम ब्रिज के नीचे रुके हुए हैं। अनुराग बारिश, एक मिनट, ये कौन हुआ? इसके लिए कुछ कहना चाहेगा? मुंबई की बारिश और मुंबई की ट्रैफिक कहीं भी हो जाती है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। अभी देखते हैं, अभी बंद होने का इंतजार कर रहे हैं, कितने टाइम में बंद होगा। अभी तो मेरे हिसाब से तो बारिश तेज होते जा रहा है। क्या सोच है रे तेरी? देखते अभी बारिश छूटेगा तो हम लोग, ये मेरे पीछे जो सिग्नल दिख रहा है ना, जो कि येलो लाइट बंद चालू रही है, वहीं से सीधा जाना है। 4 या 5 सिग्नल है फिर आ जाएगा सिद्धिविनायक मंदिर। तो जैसे पहुँचते हम दिखाते हैं आपको। गाइस बारिश आने के बाद देखो इन लोग का क्या हाल हो गया। कैसा लग रहा है बारिश में? करे जा तो अपने में व्यस्त है, मिडल फिंगर मत दिखाओ नहीं तो समझ रहा हो। ओ भाऊ गण्या पावर, कैसा है तुम्हें? जय महाराष्ट्र भाऊ। ओ सो गाइस, बारिश तो नहीं रुक रही है, फिर भी मंदिर तो जाना ही है। तो अभी हम निकल चुके हैं, भीगते भीगते जाते हैं, अभी भीगते भीगते जाना पड़ेगा। बारिश ने तो छीन कर दिया हमारे साथ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर दिया। अभी बहुत कम टाइम बचा है, 20-25 मिनट बाकी होगा, हम लोग को पहुंचना पड़ेगा फटफट, आने तो आरती के लिए बहुत लेट हो जाएगा। तो अभी निकल दिए भीगते भीगते, जैसे कि आप देख ही रहे हो बारिश हो रहा है। अभी यहाँ से ना 4 या 5, ओ यार भीग गया, 4 या 5 सिग्नल और पार करना है, तो जा रहे बस। तो दिखाते आगे के। सो गाइस बारिश रुके या ना रुके, पर ब्लॉगिंग तो चालू रहेगी। थोड़ा सा वेट किए, नहीं रुका तो क्या बात है, निकल लिए ऐसे ही। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। कोई बात ना, रुको या ना रुको, हम तो ब्लॉग बनाएंगे ही, पहुंचेंगे ही मंदिर तक। गणपति बप्पा मोरिया, सब जा रहे यहाँ से। बस अभी ज़्यादा नहीं, बस आधा रास्ता और रह गया है, बारिश तो छूटने दिए, गीला होके ही जाएंगे। बोलू मजा आ रहा है, गजब बेइज्जती है।
तो अभी मंदिर के यहाँ पे पहुँच के फिर दिखाते हैं, चलो फिर। सो हे गाइस वेलकम, आ चुके हैं मंदिर के पास। तो आपको दिख रहा होगा पीछे गोल्डन कलर का जो है वही सिद्धिविनायक मंदिर है। तो अभी हम सभी दोस्तों के साथ पहुँच गए वहाँ पे। कैसा लगा आने में? एकदम रावस। मजा आया कि नहीं? मजा आ रहा है भाई, ठीक है। बारिश में चलते जल्दी, देखो भीग गए। कोई बात नहीं यार, भीगेंगे थोड़ा बहुत, गीला होगा चलेगा, बट आरती में पहुँचेंगे। आरती के लिए आए तो बस, मेरी जान भीगना तो पड़ेगा, पड़ेगा ना। अगर दर्शन करना है ना मेरा भाई, तो भीग के तो आना पड़ेगा ना, मेरी जान, मेरी जान। गाइस हम लोग पूरा गीला हो चुके हैं, फिर भी कोई बात नहीं, फिर भी आएंगे। आरती में रुकना ही है कुछ भी करके। देख रहे हो मोबाइल भी पूरा गीला हो गया है, मोबाइल भी बारिश में भीग रहा है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, भीगने दो। ब्लॉग बनाएंगे तो बनाएंगे। बस हम पहुंच गए, अभी थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं एंट्री गेट पे, मिलते फिर एंट्री गेट पे। या सो गाइस ये गोलू दोस्त है, भाई के जैसा है। क्या बोला तूने? अभी भोजपुरी गाने के मजे ले रहा था। तू आ गया क्या? कैसा लग रहा है, पहली बार आ रहे हो सिद्धिविनायक मंदिर? दूसरी बार आ रहे हो। पहली बार किसके साथ आए थे? तुम्हारे साथ। हाँ तुम्हारे साथ। अच्छा मेरे साथ ही आए थे क्या? हम लोग आए घूमे, मैं तो चार बार आया हूँ, ये मेरा चौथा बार है, ये लोग पहली और दूसरी बार आए। तो चलो अभी जाते हैं सीधा एंट्री गेट पे, दिखाते हैं। ये रही अपनी टोली। सो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पे, देखो ये सामने वाला एंट्री गेट है और आगे पुलिस तैनात होगी। और हम लोग का चप्पल निकाल लिया गया है। ये है सिद्धिविनायक मंदिर का एंट्री गेट। ले लो भाई। सो गाइस ये है सिद्धिविनायक मंदिर जो कि देख सकते हैं। मैं बहुत रिस्क पे अपना मोबाइल निकाल के वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मोबाइल जमा कर सकते हैं। मोबाइल जमा कर सकते, फिर भी कोई बात नहीं, वीडियो तो निकलेगा ही। वीडियो पूरा बनेगा ना मेरी जान, पूरा वीडियो बनाएंगे जब तक कोई पकड़ नहीं लेता। जलवा है हमारा। तो है गाइस अभी हम लोग दर्शन करके यहाँ पे बैठे हैं, देख लो इसका मंडली है। बोलो, जस्ट अभी दर्शन करके आए, बस अभी यहाँ पे बैठे हैं, अभी आरती शुरू होने में कुछ टाइम है, तो उसके बाद फिर अभी आरती में कुछ टाइम है, तो फिर थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे बैठते हैं, थोड़ा भगवान गणेश जी को याद करते मन से, उसके बाद आगे दिखाते हैं आरती में थोड़ा सा चुप चुप के। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। तो भाई ये हमारा मंडल दास, जो कि तेरे को कैसा लगा सिद्धिविनायक मंदिर? एकदम बढ़िया गाइस, आप आ सकते हो यहाँ पे, भगवान का दर्शन कर सकते हो, आपको बड़ा ही आनंद आएगा। ओह माय गॉड, जैसे कि अभिषेक को बहुत आनंद आया है, बहुत ज्यादा, आपको भी आएगा। तो खत्म, बाय बाय, टाटा बोल दे। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय और टाटा। और वो जो लाल वाला बटन है उसमें भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।